कौन है, क्या कोई बताने वाला? नहीं, ठीक है। मुझे इस एग्जांपल से आपको एक यहाँ पे बात बतानी है कि एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करना है। जब हमने ये एग्जांपल लिया लड्डू बनाने की प्रोसेस, ओके, यहाँ पे लड्डू क्या है, वो है इंफॉर्मेशन। अब लड्डू बनाने के लिए उससे पहले कुछ एक्टिविटी हमें करनी पड़ती है, और उससे पहले जो लड्डू बनाने की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है कुछ रॉ मटेरियल से, ठीक है। आप क्या करो, अपना अपने आवाज को म्यूट करो, अपने अपने आवाज को म्यूट करो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि लड्डू बनाने की जो प्रोसेस है, लड्डू बनाने के लिए पहले तो उसके लिए रॉ मटेरियल आपको चाहिए, ठीक है। जैसे कि बेसन पीट है, या कुछ रवा है, या और कुछ जो चीजें लगती है, वो एज अ रॉ मटेरियल है। अब लड्डू बनाने के लिए रॉ मटेरियल टू लड्डू में एक लिंक है। एक तरफ है रॉ मटेरियल बेसन रवा, और दूसरी तरफ है प्रिपेयर्ड लड्डू। अब इन दोनों के बीच में कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है आपको, बराबर है। इसी एक्टिविटी को आप प्रोसेसिंग कहते हो। वैसे ही उसी प्रकार एक तरफ जब डेटा होता है और दूसरी तरफ जब इंफॉर्मेशन होती है, तो इन दोनों के बीच में कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है, ठीक है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है डेटा प्रोसेसिंग। अब ये डेटा प्रोसेसिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, उसकी मीनिंग क्या है, ये हम समझ लेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि एक तरफ जैसे कि रॉ मटेरियल है एज अ डेटा, उसको समझ लीजिए, और लड्डू जो है एज अ उसको इंफॉर्मेशन समझ लीजिए। अब जो आपने एक्टिविटी बताई है, गैस ऑन करना, फिर तेल डालना, फिर उसको ये करना वो करना, ये सब एक्टिविटी है। अब ये जो एक्टिविटी है वो उसको कहेंगे हम अपने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डेटा प्रोसेसिंग। अब डेटा, डेटा प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन, ये तीन स्टेज है, उसको आप ऐसा भी कह सकते हो, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट क्या है, रॉ मटेरियल, जैसे इस एग्जांपल में बेसन और रवा था, वो ऐसा एक इनपुट है। प्रोसेसिंग जो एक्टिविटी आपने बताई वो प्रोसेसिंग हो गई, और आउटपुट क्या है, लड्डू। जिस प्रकार इस एग्जांपल में लड्डू आउटपुट था, तो आपने इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन, ये आउटपुट है। अब हमने क्या किया, कल दो दो लेक्चर में हमने सिर्फ इनपुट के बारे में समझ लिया, यानी कि सिर्फ डेटा के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन किया, पूरा डिस्कशन किया। आज हम करेंगे प्रोसेसिंग के बारे में, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन की तरफ नहीं जाना है अभी। उससे पहले हमें प्रोसेसिंग की कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके स्टेजेस कितने हैं, वो हम पहले समझ लेंगे। तो मैं उसके लिए पहले अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ, बाद में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये यहाँ पे मैंने स्क्रीन को शेयर किया है। अभी ये है डेटा प्रोसेसिंग की कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे पहले। ओके, डेटा प्रोसेसिंग किसे कहेंगे, अब स्क्रीन को देख लेना, फोकस करना, क्या है द कलेक्टेड रॉ मटेरियल, यानी उसको हम कहते हैं डेटा, कॉल्ड डाटा, ठीक है। द कलेक्टेड रॉ मटेरियल नीड्स सम प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग टू मेक इट यूजफुल, यानी कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको किसकी जरूरत होती है, उसको कुछ प्रोसेसिंग करने की जरूरत है, उसको रिफाइनिंग करने की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि उसको अगर आपको यूजफुल बनाना है, यानी कि इस एग्जांपल में आपको बेसन को या रवा को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी या उसको रिफाइनिंग करना पड़ेगा। अगर रवा या बेसन में कुछ कीड़े हैं या कुछ छोटे छोटे कंकर है, तो वो आपको पहले निकालना पड़ेगा, उसको रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अगर लड्डू अगर अच्छे बनाने हैं, बहुत स्वादिष्ट अगर बनाने हैं, तो ये करना जरूरी है, ठीक है। द डेटा प्रोसेसिंग इज द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसमिटिंग द डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अब ये डेटा प्रोसेसिंग की एक्टिविटी क्या है, इट इज एन एक्टिविटी, ओके, द डेटा प्रोसेसिंग इज द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसमिटिंग द डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डेटा प्रोसेसिंग की एक्टिविटी में क्या किया जाता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस की जाती है, यानी कि बेसन और रवा को किसमें कन्वर्ट करना है, लड्डू में कन्वर्ट करना है, ये प्रोसेस की जाती है इस डेटा प्रोसेसिंग की एक्टिविटी में, ठीक है।
द प्रोसेस कन्वर्ट्स डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अब जो डेटा प्रोसेसिंग की जो प्रोसेस होती है, एक्टिविटी होती है, वो क्या करती है, कन्वर्ट करती है डेटा को इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। द प्रोसेस कैन बी डन बाय मैन्युअली और यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम। अब ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है ना, उसको समझ लीजिए कि डेटा प्रोसेसिंग कैन बी डन बाय यूजिंग बाय मैन्युअली और यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम। अब ये लड्डू बनाने की जो प्रोसेस है वो आप मैन्युअली कर सकते हैं, यानी कि आपने हाथ से भी बना सकते हो लड्डू, और लड्डू बनाने के लिए कुछ मशीन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर मार्केट में वैसी मशीन अवेलेबल है तो। यानी लड्डू लड्डू किस प्रकार से आप बना सकते हो, एक तो अपने हाथ से बना सकते हो, अदरवाइज किसी मशीन का भी यूज कर सकते हो। उसी प्रकार से जब डेटा में अगर आपको प्रोसेसिंग करनी है तो वो आप मैन्युअली भी कर सकते हो और कंप्यूटर की मदद से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको डेटा प्रोसेसिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए होगी। हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे। अब ये जो काइंड्स और टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, किस प्रकार से डाटा प्रोसेसिंग कर सकते हो, यानी कि किस प्रकार से आप लड्डू बना सकते हो, उसके बारे में ये प्रोसेस ये टाइप्स यहाँ पे दिए। यानी कि डेटा को हम कैसे प्रोसेसिंग कर सकते हैं, बाय मैन्युअली भी कर सकते हैं, यानी कि अपने हाथ से भी कर सकते हैं, अपने माइंड से भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मैकेनिकल प्रोसेस से भी हम डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस को या मैकेनिकल कुछ मशीन है, उसकी मदद से भी हम डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें क्या आता है, आप कुछ कैलकुलेटर्स की मदद से भी डेटा को प्रोसेस कर सकते हो, कुछ टैबलेटर की मदद से भी आप डेटा को प्रोसेस कर सकते हो, या टाइपराइटर की मदद से भी आप अभी तो ये आउटडेटेड हो गया है, इससे कोई नहीं करता है, मगर एक जस्ट समझने के लिए और एग्जाम के लिए हम यहाँ पे इसको ले रहे हैं। ठीक है, टाइपराइटर की मदद से भी आप डेटा पर प्रोसेसिंग कर सकते हो। उसके बाद थर्ड जो टाइप है या काइंड्स है डेटा प्रोसेसिंग का, वो है इलेक्ट्रॉनिक। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक में आप किसी कंप्यूटर की मदद से भी डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हो, यानी कि आप जो लड्डू बनाने की जो एक्टिविटी है आप चूल्हे पर भी कर सकते हो, अपनी गैस पर भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इलेक्ट्रिक जो शेगड़ी बोलते हो उसको, उस पर भी आप कर सकते हो। यानी कि इस प्रकार से ये डेटा प्रोसेसिंग की टाइप है। ठीक है, तीन टाइप समझ लेना, एक है मैनुअल, दूसरा है मैकेनिकल और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक में क्या आता है, कंप्यूटर को आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अब डेटा प्रोसेसिंग की इंपॉर्टेंस को देख लेंगे, इसका महत्व क्या है। ओके, अगर लड्डू बनाना है तो उससे पहले वाली जो प्रोसेस है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये यहाँ पे समझ लेंगे। पहले तो क्या है, हैंडल ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा। डेटा प्रोसेसिंग की जो एक्टिविटी है वो क्यों महत्वपूर्ण है, तो उसका एक रीजन है कि अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, बहुत डेटा की क्वांटिटी बहुत सारी है, तो उसको हैंडल करने के लिए आपको प्रोसेसिंग करनी ही पड़ेगी। ओके, अगर ज्यादा मात्रा में आपको लड्डू बनाने हैं तो सबसे पहले उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर प्रोसेसिंग ही करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट है गेटिंग प्रॉपर एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। अगर आपको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन और विद इन टाइम में, जिस टाइम पर आपको किसी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, तो उसी टाइम पर अगर आपको इंफॉर्मेशन मिलनी है या कलेक्ट करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या है, आपको डेटा प्रोसेसिंग करने की आवश्यकता है, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोरेज एंड रिट्रायवल डेटा। अब डेटा को स्टोरेज करना या जब चाहे उसको रिट्रायवल करना, यानी कि फिर से उसको कलेक्ट करना या फिर से उसको प्राप्त करना, रिट्रायवल मीनिंग ऐसा होता है। ठीक है, डेटा को स्टोरेज करने के लिए, अच्छी तरह से स्टोरेज करने के लिए, अच्छी तरह से या प्रॉपरली मैनेजमेंट उसका करने के लिए डेटा प्रोसेसिंग करना बहुत जरूरी है, इसलिए इसका महत्व ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि डेटा, अगर आपके पास ह्यूज डेटा है या बहुत सारा डेटा है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि उसको स्टोरेज कैसे करें। ओके, अगर आपने बहुत सारे लड्डू बनाए और आपके पास अगर डब्बा नहीं है किचन में लड्डू रखने के लिए, तो क्या फायदा है उसका। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, अगर उसको आप प्रॉपरली मैनेज करके अगर स्टोरेज करते हो, और स्टोरेज करने के बाद जब चाहे आपको अगर किसी डेटा की जरूरत पड़े, तो उसी स्टोरेज में से आप क्या करेंगे, आपको जब चाहे वो विद इन टाइम में वो स्टोरेज किया हुआ डेटा आपको मिल सके, ऐसी आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। ओके,
तो स्टोरेज एंड रिट्रायल करने के लिए यदि आपके पास बहुत सारा डेटा है तो डेटा प्रोसेसिंग करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अगर आपको अगर आपका डेटा जो है बिजनेस रिलेटेड है या किसी इंस्टीट्यूशन रिलेटेड है, तब यही डेटा अगर आपने प्रोसेसिंग किया तो इंफॉर्मेशन देगा। अभी इसी इंफॉर्मेशन की मदद से आप अपने बिजनेस में कुछ डिसीजंस भी ले सकते हो, जिससे कि इन फ्यूचर वो आपको बेनिफिशियल रहेगा। या ये डिसीजन किसी प्रोडक्ट रिलेटेड हो सकते हैं, मार्केट रिलेटेड हो सकते हैं, अपने कंपटीटर्स रिलेटेड हो सकते हैं, इंटरनल रिलेटेड हो सकते हैं, ह्यूमन रिलेटेड हो सकते हैं, अपने एम्प्लॉय रिलेटेड हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का डिसीजन आप ले सकते हैं जब आपके पास डेटा है और आपने उसी डेटा के ऊपर अगर प्रोसेसिंग की तो। यानी प्रोसेसिंग इतनी इंपॉर्टेंस है, इसी कारण या इसी के माध्यम से आप अपने बिजनेस में डिसीजन लेने का काम कर सकते हो। अगर ऐसा भी समझ लीजिए, अगर आपने आपके कंपनी का डेटा आपने कलेक्ट किया, जैसा डेटा कलेक्ट किया और वैसा ही रख दिया, तो वो डेटा आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देगा। कब इंफॉर्मेशन देगा? जब आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग करोगे, ठीक है। जैसे कि कल के एग्जांपल में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि आप कौन सा सिम कार्ड यूज करते हो, आपने जस्ट रिप्लाई दे दिया चैट बॉक्स में। वो अगर मैं उसी रिप्लाई को वैसे की जैसे वो चैट बॉक्स में वैसे की वैसा अगर रहने देता, तब मैं आपको स्टेटमेंट नहीं बोल सकता कि हमारे क्लास के सभी बच्चे या स्टूडेंट्स जो है वो जियो का सिम कार्ड यूज करते हैं, ये स्टेटमेंट मैं दे नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि अगर मैंने उसको वैसे कि जैसा वो चैट बॉक्स में आपने मैसेज भेजा है वैसे कि वैसा जैसा मैंने अगर रख दिया वहां पर, तो वो उससे मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता था, ठीक है। तो क्यों कलेक्ट, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको डिसीजन लेना है तब ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अगर आपकी कंपनी की या आपके बिजनेस की अगर आपको प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करनी है, या अदरवाइज आप ऐसे भी बोल सकते, अगर आप किचन में आपकी किचन की जो प्रोडक्टिविटी या अपनी जो एबिलिटी है किचन में काम करने की, जो अगर वो आपको बढ़ानी है, तो आप क्या करोगे? किचन में जो अलग अलग जो पदार्थ बनाते हो आप, उसमें अगर आपको एफिशिएंट होना है या प्रोडक्टिविटी उसमें बढ़ानी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? किचन में हर रोज जाके वहाँ की एक्टिविटी करनी पड़ेगी। आप सब लोग प्राइमर लेवल पर किचन में आपकी एबिलिटी है, अभी आप काम करना आपने अभी ही स्टार्ट किया होगा, ओके। लड़के हो लड़कियां हो सब किचन में काम करते हैं, मैं भी किचन में काम करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ ऑकवर्ड फील करने की कोई जरूरत नहीं है। सब लोग हर घर का हर एक मेंबर किचन में काम करता है, कुछ ना कुछ थोड़ा मोटा काम करता है। अगर अपनी खुद की किचन की एबिलिटी अगर बढ़ानी है, तो डेटा प्रोसेसिंग कैसी इम्पोर्टेंट है, यानी कि किचन में प्रोसेसिंग करने की आवश्यकता होती है, ओके। तो उसी प्रकार से अगर आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ानी है, तो उसके लिए डेटा प्रोसेसिंग करना बहुत जरूरी है, अगर आपकी कंपनी में कुछ डेटा अवेलेबल है तो, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अब ये प्रोडक्टिविटी कंपनी के लिए और परफॉर्मेंस पर्टिकुलर वर्कर के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए यहाँ ये वर्ड यूज किया गया है। अगर किसी व्यक्ति की परफॉर्मिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, तो उस अगर पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में अगर आपके पास डेटा है, तो उस डेटा के ऊपर आप प्रोसेसिंग करो, जिससे कि आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सके, और उसी इंफॉर्मेशन की मदद से आप क्या कर सकोगे, अपनी कंपनी के जितने भी वर्कर्स है या जो भी वर्कर में किसी भी वर्कर में आपको अगर परफॉर्मेंस लेवल बढ़ाना है, तो ये डेटा प्रोसेसिंग आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प्स टू इफेक्टिव मैनेजमेंट। लास्ट वाला जो पॉइंट है हेल्प्स टू इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब डेटा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट में मदद करता है उसके इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए। अब ये कैसे करता है, जो चार नंबर वाला जो पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, उसी की बेस पर ये भी पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हो, हेल्प्स टू इफेक्टिव मैनेजमेंट। किसी कंपनी के बारे में अगर डेटा है, अगर वही डेटा को अगर आपने प्रोसेसिंग किया, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर वो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट रिलेटेड है, तब आपको क्या होगा, मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने में आसानी होगी। वही डेटा जो आपने प्रोसेसिंग किया है, वही इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होने के बाद आपको बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज देगा, या बहुत सारे ऐसे डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगा, जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे आने वाले
भविष्य में। तो किसी मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजन हो या किसी ह्यूमन रिलेटेड डिसीजन हो बिजनेस का, तो उसमें डेटा प्रोसेसिंग क्या करेगा, हेल्प ही करेगा। ठीक है, ऐसे इन्हीं मुद्दों से आप इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे जो हमने डिस्कशन किया, इससे आपको आइडिया आई होगी कि कैसे डेटा प्रोसेसिंग किसी भी कंटेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे हम। नेक्स्ट स्लाइड जो है यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। अब डेटा प्रोसेस करने के फायदे क्या है, क्यों डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, ये तो समझ लिया। अब डेटा प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के बाद क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का डेटा है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, चाहे किसी घटना का हो, चाहे वो किसी तथ्य के बारे में हो या किसी के अनुमान के बारे में हो, अगर किसी भी प्रकार का अगर आपके पास डेटा है तो उस पर आप अगर प्रोसेसिंग करते हो तो उसके बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये यहाँ पे इस पॉइंट से आपको समझना होगा। ओके, रिमूविंग अनवांटेड पोर्शन ऑफ कलेक्टेड डेटा। अब पहला जो डेटा प्रोसेसिंग का एडवांटेजेस है, डेटा प्रोसेसिंग की एक्टिविटी जब आप स्टार्ट करोगे तब सबसे पहला बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आपके पास हजारों लाखों नंबर्स डेटा के है, उसमें से आपको शॉर्टिंग करनी पड़ेगी, यानी कि शॉर्टिंग अगर आपने की डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटी के अंदर, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जितना डेटा है उसमें से जो आवश्यक डेटा आपके लिए है वही आप सॉर्ट कर सकते हो, वही आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ डेटा में से। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा, टाइम बचेगा यानी कि जो जिस डेटा के ऊपर आपको काम करना है वही डेटा आप डेटा टोटल ओवरऑल डेटा कलेक्शन से आप कलेक्ट कर सकते हो, यानी कि जो अनवांटेड डेटा है, यानी कि ऐसा भी आप कह सकते हो कि इसको दूसरे एंगल से आप ऐसा समझ लीजिए कि जो अपने काम का डेटा नहीं है उसको आप डिलीट कर सकते हो इस डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटी में। जो काम का डेटा नहीं है उसको आप डिलीट कर सकते हो, जैसे कि किचन में जो काम की चीजें नहीं होती है वो आप क्या करते हो, डस्टबिन में फेंकते हो, उसी प्रकार से जो काम का नहीं है वो उसको आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, मगर कब, जब आप डेटा प्रोसेसिंग की साइकिल करते हो। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग ऑन ह्यूज साइज ऑफ डेटा। अगर आपके पास बहुत मात्रा में डेटा है तो उस पर कंट्रोलिंग भी कर सकते हो, उसको प्रॉपरली मैनेज भी कर सकते हो, यानी कि किस प्रकार का डेटा कहाँ रखना है, किस स्टोरेज में रखना है, ये भी आप इस डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में इसके बारे में भी आप डिसीजन ले सकते हो, जिससे कि पूरे डेटा के ऊपर आपकी कंट्रोलिंग हो सके, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट है गेटिंग मल्टीपल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेम डेटा। अब अगर आप डेटा में से जब आप डेटा प्रोसेसिंग करते हो तो उसमें से एक ही डेटा से आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल सकती है, यानी कि अगर आप यहाँ पे हम किचन का एग्जांपल समझ लेते हैं, अगर आपने बेसन के लड्डू बनाने समय अगर आपने बेसन के लड्डू में अगर आपने उसमें क्या बोलते हैं किशमिश हो, मनुका हो या काजू हो, अगर उस लड्डू में आप चिपकाते हो तो क्या होता है, थोड़ा सा उसको अलग डिजाइन आ जाएगी, अलग उसका फ्लेवर हो जाएगा, अलग उसके वो और बहुत बढ़िया स्वादिष्ट बनेंगे। उसी प्रकार से यानी कि एक ही प्रकार का लड्डू है, यानी कि एक ही बेसन लड्डू आप बना रहे हो मगर उसको अलग अलग फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, उसी प्रकार से एक ही टाइप का अगर आपके पास डेटा है तो उसको उससे आप क्या करोगे, अलग अलग फॉर्म में, जैसे कि आपका व्यू है उसी प्रकार से आप उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। अब फिर से मैं कल का एग्जांपल यहाँ पे बोल दूंगा आपको, कल आपने जब आप जो सिम कार्ड यूज करते हो उससे मैंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि बीकॉम सेकंड ईयर के थर्ड सेम के जो स्टूडेंट्स है हमारे कॉलेज के, वो सब क्या करते हैं, जियो का सिम यूज करते हैं। ये मेरा पहला स्टेटमेंट हो गया जो मैंने डेटा प्रोसेसिंग करने के बाद दिया। अब इसी डेटा के बेस पर मैं दूसरा भी स्टेटमेंट दे सकता हूँ, वो कैसा रहेगा कि बीकॉम सेकंड ईयर के थर्ड सेम के जो हमारे स्टूडेंट है, जो मेरे स्टूडेंट्स है, वो क्या करते हैं, बीएसएनएल का कार्ड यूज नहीं करते हैं, बीएसएनएल का कार्ड यूज नहीं करते। ये मेरा दूसरा स्टेटमेंट होगा, वो भी बराबर है, यानी कि जैसा मेरा व्यू है उसी प्रकार से मैं एक ही डेटा से अलग अलग इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे यही बात समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब एक डेटा है, थर्ड नंबर का पॉइंट देख लीजिए, गेटिंग मल्टीपल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेम टाइप ऑफ डेटा,
इस एग्जांपल से आपको क्लियरिफाई हुआ होगा जो मैंने अभी कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है गेटिंग ऑथेंटिकेट एंड ट्रू डेटा। अब डेटा प्रोसेसिंग करते समय अगर आपके पास कुछ फॉल्स डेटा है या कुछ जो अनएक्यूरेट डेटा है तो उसको आप साइड में निकाल सकते हो, या कुछ गलत डेटा है तो उसको भी आप साइड में निकाल सकते हो। ये क्यों पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग की साइकिल की वजह से ही। डेटा प्रोसेसिंग की जब एक्टिविटी आप करते हो तो वो ये जो ऑथेंटिकेट और ट्रू डेटा है उसको भी आप वही डेटा आप ले सकते हो जो अनऑथेंटिकेट है, या जो फॉल्स डेटा है या जो गलत डेटा है वो आप साइड में कर सकते हो। जैसे कि अगर लड्डू बनाने के प्रोसेस में अगर किसी बेसन में कुछ है तो उसको आप जैसे साइड में निकालते हो, या रवा में कुछ है तो उसको आप जैसे साइड में निकालते हो, उसी प्रकार से अगर आपके डेटा में कोई फॉल्स डेटा है, गलत डेटा है, तो उसको आप साइड में निकाल सकते हो जब आप डेटा प्रोसेसिंग की साइकिल करोगे तो। यानी आपको क्या मिलेगा? आपको एक एक्यूरेट डेटा मिलेगा, एक ऑथेंटिकेट डेटा मिलेगा, एक ट्रू डेटा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कीपिंग आउटपुट सेफ। अब जो है डेटा प्रोसेसिंग की साइकिल में कीपिंग आउटपुट सेफ, यानी कि जब ये एक्टिविटी खत्म होती है डेटा प्रोसेसिंग की, जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है उस प्रोसेस से, उस इंफॉर्मेशन को आप सेफ कर सकते हो या उसका अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन कर सकते हो। जिस प्रकार से जब आपके लड्डू रेडी होते हैं तो जब आप बहुत ही धीरे से किसी डब्बे में आप उसको भर के रखते हैं, कहीं एक आधा लड्डू टूट ना जाए, जैसे आप उसको केयर करते हो, उसी प्रकार से आप क्या करते हो डेटा प्रोसेसिंग की साइकिल में, आप किसी बिजनेस में हो तो जब आउटपुट मिलता है तो उसको आप एक सेफ जगह पर आप उसको रख सकते हो, कीपिंग आउटपुट सेफ। यही बात मुझे, यही बेनिफिट इस डेटा प्रोसेसिंग की साइकिल से आपको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग डेटा प्रोडक्टिविटी। अब डेटा की प्रोडक्टिविटी भी इससे बढ़ती है अगर डेटा प्रोसेसिंग साइकिल जब आपकी चालू होती है तो। डेटा जिस प्रकार का है उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी यूटिलिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बढ़ा सकते हो अगर आप डेटा प्रोसेसिंग की साइकिल अच्छी तरह से करते हो तो। यही बेनिफिट है डेटा प्रोसेसिंग साइकिल का, कि जो कुछ डेटा है उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी यूटिलिटी हम बढ़ा सकते हैं। जिससे कि एक ही प्रकार का डेटा जो किसी एक व्यक्ति के काम में आता है यदि, तो आप उसी डेटा को किसी दूसरी की तरफ भेजते हो तो उस जो डेटा अभी तक एक व्यक्ति के काम में आ सकता था वही डेटा सैकड़ों लोगों के काम में भी आ सकता है अगर उसकी यूटिलिटी चेंज हो जाए तो। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि डेटा प्रोसेसिंग के साइकिल में जो एक्चुअल डेटा आपके पास है, जिस प्रकार का डेटा आपके पास है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, उसकी यूटिलिटी भी बढ़ती है अगर आपने अच्छी तरह से डेटा प्रोसेसिंग को कंप्लीट किया तो। इस 6 पॉइंट्स की मदद से हम डेटा एडवांटेजेस को समझ सकते हैं। मुझे लगता है आप बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे समझ लिया होगा। जिस प्रकार से एडवांटेजेस है उसी प्रकार से डिसएडवांटेजेस भी है डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के। पहला क्या है? सॉर्टिंग लॉन्ग टाइम ऑफ अनयूजफुल एंड यूज्ड डेटा। ओके, स्टोरिंग लॉन्ग टाइम ऑफ अनयूजफुल एंड यूज्ड डेटा। अब डेटा प्रोसेसिंग साइकिल जब हम करते हैं तो क्या होता है कि वो जो डेटा होता है उस डेटा को बहुत लंबे समय तक हमें उसको सिक्योर करना पड़ता है, उसको स्टोर करना पड़ता है, जो बहुत बड़ा मात्रा में जो डेटा होता है तो उसको हमें इस प्रकार से बहुत हरासमेंट या कुछ डिफिकल्टीज का सामना हमें भी करना पड़ता है। जैसे कि यदि आपने लड्डू बनाए अपने घर में और खाने वाला कोई नहीं है तो आपको कितना परेशानी होगी वो उसको सेफ रखना, उसको कुछ दिनों बाद उसको उस डब्बे का ढक्कन निकाल के देखना कि वो अच्छा है या यदि कोई कुछ उसमें खराबी हुई है नहीं, ये कैसे आपको चेक करना पड़ता है। इससे क्या होगा, आप उसको सिक्योर करते हो। ओके, तो उसी प्रकार से अगर बहुत बड़ी मात्रा में किसी बिजनेस में डेटा है आपके पास और उसका बहुत टाइम के बाद अगर आपने यूज नहीं किया तो वही डेटा क्या करना पड़ेगा, आपको लंबे समय तक आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा, उसको अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसी कुछ डिफिकल्टीज, ऐसे कुछ बैरिकेड्स का सामना आपको करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए इसको इसका डिसएडवांटेजेस कहा जाता है। नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू
सर्च अ फाइल फ्रॉम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। अब ये जो एग्जांपल है, अब अगर आपने डेटा फाइल जो आफ्टर कंप्लीट डेटा प्रोसेसिंग जो फाइल अगर आपने अच्छे तरीके से उसको स्टोर करके नहीं रखा, तो यदि किसी फाइल की आपको आवश्यकता है तो वो टाइम पे आपको नहीं मिलेगी। ओके, डिफिकल्ट टू सर्च अ फाइल फ्रॉम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, कि बहुत सारा डेटा की क्वांटिटी होती है, उसमें से अपने लिए कौन सा डेटा यूज होता है या यूजफुल है या किस डेटा की आवश्यकता है, उसी डेटा को प्रॉपरली जिस टाइम आपको चाहिए वो आप सर्च करने में उसमें बड़ी तकलीफ होती है। जिस प्रकार से यदि आपकी मम्मी ने अगर लड्डू का डब्बा जो आपको पता है वो उसमें के लड्डू जो किसी दूसरे डब्बे में अगर शिफ्ट किए, अगर आपको खाने की इच्छा हो गई, तब आपको जैसे डिफिकल्टी होती है मम्मी किस डब्बे में लड्डू रखा है ये सर्च करने में जैसी डिफिकल्टी होती है, जैसी तकलीफ होती है, उसी प्रकार से इसी डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में भी किसी डेटा को जो आपको आवश्यक है वो अगर टाइम पे नहीं मिलता है तो आपको किसी प्रकार के डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन रिट्रीवल द लॉस्ट डेटा। अगर कोई डेटा लॉस्ट होता है डेटा प्रोसेसिंग की साइकिल में तो उसको रिकवर करना ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, यदि लड्डू बनाने के प्रोसेस में अगर आपने शक्कर की जगह अगर आपने नमक डाल दिया तो पूरा लड्डू क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो खाने के लायक नहीं रहेंगे अगर शक्कर की जगह आपने नमक उसमें मिक्स कर दिया तो। मगर अगर आपने लड्डू अच्छे बनाए मगर उसको स्टोरेज अच्छा नहीं किया या उसकी बार बार उसको नहीं देखा वो अच्छे है या नहीं, तब तो आपको क्या होगा कि वो लड्डू खराब हो जाएंगे। उसी प्रकार से जो डाटा प्रोसेसिंग की साइकिल होती है, अगर डाटा प्रोसेसिंग की साइकिल में क्या होता है, अगर बहुत मात्रा में डेटा है अगर उसका स्टोरेज आपने अच्छा नहीं किया तो वो लॉस होने का चांसेस भी होता है। अगर एक बार डेटा लॉस होता है तो उसको रिट्राई करना, उसको रिकवर करना ये बहुत दिक्कत की बात होती है। अगर एक बार डेटा लॉस होता है तो फिर से आपको डेटा कलेक्शन की प्रोसेस करनी पड़ेगी, फिर से आपको हर एक कंटेंट के पास जाना होगा, प्राइमरी मेथड या सेकेंडरी मेथड से आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, वो फिर रिपीट हो जाएगा, फिर से जो एक्टिविटी है वो फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी स्टार्ट टू एंड तक, तब जाके आपको जो लॉस हुआ वो आपका जो डेटा है वो आपको फिर से मिल सकता है, मगर इसके लिए आपको पूरी प्रोसेस दोबारा करनी पड़ेगी। तो ऐसे कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं डेटा प्रोसेसिंग की साइकिल के, इसलिए डेटा प्रोसेसिंग की साइकिल करते समय डेटा लॉस न हो इसकी खबरदारी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है डिफिट इन डिजायरेबल आउटपुट। अब डिफिट इन डिजायरेबल आउटपुट इसका मीनिंग क्या होता है, जब डेटा प्रोसेसिंग की साइकिल होती है तब उस साइकिल में आपके माइंड में इस प्रकार का आउटपुट आएगा, ये आपके माइंड में सबसे पहले फिट होता है, मगर एक्चुअल में क्या होता है वो अलग तरह का आउटपुट आपको मिलता है, अलग तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। यानी कि उसी प्रकार किचन का हम एग्जाम्पल लेंगे, आप जब लड्डू बनाते हो तो आपके माइंड में रहता है कि भाई ये बहुत ही अच्छे बनेंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे, बहुत ही टेस्ट बहुत बढ़िया होगी जब हम इसमें काजू डालेंगे, बादाम डालेंगे, तो आपके माइंड में होता है कि काजू डालने के बाद इसकी टेस्ट ऐसी रहेगी, बादाम डालने के बाद इसकी टेस्ट वैसी होगी। उसी प्रकार से मगर जब पूरी प्रोसेस खत्म होती है लड्डू बनाने की और जब आप खाते हो तो एग्जैक्ट उसी टाइम पर उसकी टेस्ट जो होती है थोड़ी सी अलग लगती है आपको, वैसे जो अपने माइंड में जो आउटपुट रहता है उसके बेस पर एग्जैक्ट उसी के बेस पर यानी कि उससे रिलेट जो आउटपुट है उतना आउटपुट हमें नहीं मिलता, यानी कि 100% जो हमने डिजायरेबल आउटपुट होता है वो एक्चुअल आउटपुट हमें नहीं मिलता है, थोड़ा उसमें चेंज होते रहता है, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस होता है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है रॉन्ग डेटा प्रोसेसिंग स्पॉइल एवरीथिंग। रॉन्ग डेटा प्रोसेसिंग, अगर आपने डेटा प्रोसेस करने और डेटा प्रोसेसिंग की एक्टिविटी ही गलत कर दी तब पूरा क्या होगा, पूरी जो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल जो है वो स्पॉइल हो जाए। यानी इसका एग्जांपल ऐसा है कि अगर आपने बेसन के लड्डू बनाने की प्रोसेस को अगर आपने कुछ दूसरा बनाने की प्रोसेस यूज की, यानी कि लड्डू बनाने के लिए किसी पदार्थ बनाते हैं अपने किचन में उसकी अगर प्रोसेस की तो क्या होगा, पूरी लड्डू बनाने की प्रोसेस जो है वो स्पॉइल हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। उसी प्रकार से
एक डेटा प्रोसेसिंग साइकिल अगर रॉन्ग हो जाती तो पूरा स्पॉइल हो जाता है। मुझे लगता है अभी एक मिनट बचा है, बाकी जो डिस्कशन है हम वो कल कंटिन्यू करेंगे। कल के लिए प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, आप सब लोग ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करो, मैंने मैसेज वैसे भेजा है ग्रुप के ऊपर। यहाँ पे हमने डेटा प्रोसेसिंग की कॉन्सेप्ट को देखा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को देखा, इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम यहाँ पे आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं, क्योंकि एक